अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, फिटनेस प्रो इंटर्नशिप ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान से डिफरेंट सिटीज से जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और मेक श्योर अपने बाकी दोस्तों के साथ इस ग्रुप को लाजमी शेयर करें ताकि वो मैक्सिमम ग्रुप को ज्वाइन करें। और आपके क्वेश्चन जो हैं मैं कोशिश करूँगा एड्रेस करता रहूँ। ये वीडियो स्पेशली इस ग्रुप मेम्बर्स के लिए है। आई नो बहुत सारे लोग स्टूडेंट जब कंप्लेन करते हैं उनका इशू है कि जॉब्स नहीं मिल रही, वो डिफरेंट सिटी से आते हैं, डिग्री प्रोग्राम लेते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, डिप्लोमास करते हैं, एमफिल करते हैं, कुछ ट्रेनर्स भी हैं, फिटनेस प्रोफेशनल्स भी हैं। लास्ट टाइम कोरोना आया, जॉब्स नहीं मिल रही थी और आई नो कि आप बहुत प्रॉब्लम में हैं। देखो एक चीज़ याद रखो, जब दो से तीन क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने साथ करने हैं कि आपने डिग्री की, आपने डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेशन की, जो भी आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया ये किया क्यों था, उसकी रीज़न क्या थी। कि आपने इसलिए ज्वाइन किया कि आपने पैसा कमाना है, नंबर वन, आपकी फैमिली चाह रही है। अगर आपने इसलिए ज्वाइन किया कि यू वॉन्ट टू जस्ट अर्न मनी, तो वो तो आप कोई भी स्किल करके, कोई भी रेलिवेंट अदर स्किल्स करके, घर बैठ के या बाकी काम करके भी पैसे कमा सकते थे। देयर आर मेनी वेज। नंबर टू, अगर आपने इसलिए डिग्री ली, इसलिए ये नॉलेज लिया, इसलिए हायर एजुकेशन ली कि यार आप लोगों की डाइट ठीक कर सकें, लोगों का वेट कम कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, तो आपका एक परसेप्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर आपने ये डिग्री या न्यूट्रिशनिस्ट या ट्रेनर या फिटनेस कुछ भी बनना चाहते हैं, आपकी इंस्पिरेशन है, इसलिए बनना चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा जाने, लोग आपको अच्छे, क्योंकि आपका या मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ तो आपने यहाँ दाखिला ले लिया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपका डिफाइन करेंगे इसमें फ्रस्ट्रेशन। जब आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होंगे तो आपका, क्योंकि पर्पस है पैसे कमाना, तो जब क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन अगर आपका पर्पस है हेल्प करना, तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे विदाउट मनी, ठीक है। सो इट्स ओके। अब मसला ये है कि सर हम लोगों को फ्री प्लान क्यों दें, मसला लोग आपको क्यों जाने, कैसे जाने। अगर आपके रिजल्ट्स हैं, नंबर वन थिंग इज, अगर आपके डाइट प्लान, आपके मील प्लान, आपकी स्ट्रेटजीज, आपका जो भी प्रोग्राम है उसमें रिजल्ट्स हैं, तो लोग आपके पास आएंगे। दैट्स द नंबर वन की रिजल्ट्स जो है, हेल्दी एक्टिव अगर किसी की बॉडी किसी को डाइट प्लान दे कि उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो बंदा या बंदी 10 लोगों को बताएगी। नंबर वन याद रखें। दूसरा कि अगर आप कोई भी किसी लोगों को फ्री डाइट प्लान देते हैं अपने कैरियर के स्टार्ट में, एटलीस्ट 500 से 1000 लोगों को इमेजिन करें कि आपको फ्री प्लान भी देना पड़े स्टार्टिंग कैरियर में, तो कोई मसला नहीं। उन 500 या 1000 लोगों में से एटलीस्ट 100, 200, 300 तो लोगों को प्रोड्यूस कर सकते हो ना रिजल्ट्स, अगर आपको यकीन है अपने प्लान के ऊपर, सॉरी। तो वो जो लोग प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट्स, वो आपका जब मार्केटिंग करेंगे तो वो आपको पे करेंगे। लेकिन आप 10-15 लोगों को फ्री देने के बाद, मैंने अपने कैरियर में हजारों लोगों को फ्री प्लान दिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सो इट्स ओके, स्टार्ट में आपको देना पड़ता है, आपको फ्री देना पड़ेगा अपनी वैल्यू बनाने के लिए, इफ़ यू नो योर वर्थ। और स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं जानता होता, फैमिली फ्रेंड्स, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आपके फैमिली फ्रेंड्स आपके क्लाइंट्स नहीं बनते, ये याद रखिएगा। पेशेंस रखिएगा, परेशान नहीं होना, वो हमें क्यों नहीं समझते, वो हमारी डिग्री को नहीं समझते, वो हमें डिस्करेज करते हैं, आप बड़े न्यूट्रिशनिस्ट आए, अपना वेट कम कर लो पहले, तुमसे क्या होगा, यू नो, इट्स ओके, इट्स फाइन, ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है। एटलीस्ट 500 से 1000 लोगों को अगर आप पेड या अनपेड प्लान दे दोगे तो आप पॉलिश होगे, याद रखो। आपने मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे ग्रुप के स्टूडेंट थे जिन्होंने 10-15 लोगों को प्लान दिया होगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सर उस 10-15 या 500 लोगों को या 100 लोगों को अगर आपने प्लान दिया, उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कितने हैं, जैसे नंबर वन क्वेश्चन, कितने उसका डेटा आपके पास है, नहीं है, इसके ऊपर एवेल्यूएट करें। और विश यू ऑल द बेस्ट, आपके क्वेश्चन जो है भेजते रहिए, मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, पोस्ट करता रहूँगा, और परेशान नहीं होना। आपने अगर इस फील्ड के अंदर आए हैं, अब घुस गए हैं, तो इस फील्ड के अंदर कुछ नाम बनाना है, इसके अंदर कुछ इम्पैक्ट डालना है, इसके अंदर कुछ लोगों को चेंज करना है, इंडस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है, वो आप लोग लेके आएंगे। दुआ में ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।